अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1 एंड यू ऑल्सो हैव कंप्लीटेड योर नोटबुक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अबाउट computer security threats and its types. Students, computer के अंदर बहुत सारे security threats होते हैं, ठीक है। अब वो जो threats हैं, आप उनको danger भी कह सकते हैं, वो different types के होते हैं जो कि computer की working को ख़राब करते हैं। For example, resulting in significant losses, the way through which the computer infection spread, and also other areas that are risk. Computer security threat. What is computer security threat? Any computer program, an event, or even a person which cause loss of data and affecting the working of a computer and stealing the information, these are all computer security threats. आप कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट है, वो कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, जिसको इंटेंशनली इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्टर्ब करे, ठीक है। कोई इवेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, हैक कर ले। हैकर्स आर द पर्सन्स हु स्टील्स योर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ थ्रेट। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट वन इज वायरस। वायरस इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज डिज़ाइंड इंटेंशनली टू ऑल्टर द वे द कंप्यूटर is operated. Worms are also the malicious programs that spread independently and also corrupt the data of your computer. Hackers are the persons who steals your secret information that is available on your computer systems. For example, your credit card information or any other information that they can steal from your systems. And the other is adware. Are the advertisements that are displayed automatically on your systems without the permission of the user. The first is virus. Virus is the most common in computers world. It is the most common computer security threat. It is a program that is written intentionally to alter the way अ कंप्यूटर ऑपरेट्स, ठीक है। कंप्यूटर वायरस जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको इंटेंशनली डिज़ाइन किया जाता है कि कंप्यूटर की वर्किंग को ख़राब करे, ठीक है, और उसमें चेंजेस ले आए, और उसके उसमें यूज़र की परमिशन इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। विदाउट द परमिशन ऑफ द यूज़र द वायरस कैन रिएक्ट योर सिस्टम्स,
replicates. A virus replicates and spread itself by attaching the copies of the files or program files or any other documents. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसको कोई भी प्रोग्राम वायरस जो है उस कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू स्प्रेड करता है. अब वो प्रोग्राम जो है वो कोई फाइल भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है. ठीक है, वो उनके थ्रू स्प्रेड करता है. कोई भी एक्टिविटी आप एक्टिवेट बाय क्लिक्स, कोई भी आप क्लिक करते हैं, ठीक है, कोई भी इवेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके थ्रू भी वायरस जो है वो स्प्रेड करता है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं है. ठीक है, ये डिपेंडेंट प्रोग्राम है जो किसी होस्ट प्रोग्राम के थ्रू स्प्रेड करता है. अब जब वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है आपका सिस्टम, तो वो सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डैमेजेस करता है. ठीक है, जब वायरस एक्टिव होता है तो क्या क्या डैमेज करता है. डैमेज और डिलीट फाइल्स. ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आपकी जो फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देगा या डैमेज कर देगा कि वो रीयूजेबल ना रहें. कॉज एरेटिक सिस्टम बिहेवियर. ठीक है, सिस्टम जो है वो आपका नॉर्मल जिस तरह रन हो रहा होता है उस तरह रन नहीं होता. ठीक है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं. ठीक है, जिस तरह खुद ही रीस्टार्ट होने लग जाएगा. ठीक है, और स्लो हो जाएगा. दीज आर द एरेटिक सिस्टम बिहेवियर. अरेज डाटा इन योर हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर किया हुआ है वो अरेज होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स. यू कैन से कि इन सिम्टम्स से आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड है और इसके अंदर वायरस है. नेक्स्ट, हेयर इज़ अ पिक्चर 2.2 वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स. ठीक है, इसके अंदर वो इन्फेक्टेड फाइल्स दिखाई हुई हैं, आप देख सकते हैं. इसके अंदर देखें, दिस इज़ अ न्यू फोल्डर. ठीक है, ये न्यू फोल्डर है और न्यू फोल्डर के नाम से ही सेम नीचे भी न्यू फोल्डर डॉट एक्सी है. अब एक्सी फाइल्स जो होती हैं ना, वो कंप्यूटर जब कॉपीज़ जनरेट करता है, मल्टीपल कॉपीज़ वायरस जो है, तो वो आप देख सकते हैं ओरिजिनल फाइल फोल्डर जो था वो न्यू फोल्डर था. उसने उसी तरह की न्यू फोल्डर डॉट एक्सी एक फाइल क्रिएट कर दी. ठीक है, दिस इज़ अ वायरस. हेयर इज़ अ GW बेसिक 2.2 एक्सी. ठीक है, ये डॉट एक्सी है, ये भी कॉपी जनरेट हुई है. दिस इज़ ऑल्सो अ वायरस इन्फेक्टेड फाइल. नेक्स्ट इज दिस वन इज़ एक्सी फाइल. ठीक है, ये भी वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स हैं. उसके अलावा